स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक का। इंडिया आने के बाद क्या खाना पीना स्टार्ट किया हमने, खूब सारी मिठाई, खूब सारे फेस्टिवल्स थे अगस्त में, तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, तो सबका जो असर आया है ना वो ये देखिए आप। मेरा वेट हो गया है 65+, अराउंड 66 kgs। वार्निंग टाइम, 3 months के बाद मैंने फिर से अपना नॉर्मल रूटीन वापस, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक चाहती थी, स्टार्ट किया है। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी लेकिन मैंने मैनेज किया, और आज मेरी बेटी की छुट्टी भी थी 1 अक्टूबर को, तो मैं उसने भी मुझे ज्वाइन किया और मोटिवेट किया कि हाँ मम्मा चलो वॉक करने जाते हैं, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। तो देखिए मेरे साथ रास्ते में छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त भी मुझे मिलते हैं रोज़ मॉर्निंग वॉक में। तो ये वीडियो 1 अक्टूबर का है, मेरी बेटी की छुट्टी थी, उसने भी मुझे ज्वाइन किया था उस दिन। पहले जब इंडिया आते थे तो हम लोग 1 month के लिए अगर हॉलीडेज में आए हैं तो खूब सारा खाना पीना, एकदम कोई कंट्रोल नहीं डाइट पे, जो मिल रहा है चाट, कुल्फी, वॉट एवर, लाइक कोई भी स्वीट है, और मुझे जैसे मलाई बहुत पसंद है तो ब्रेड मलाई का ब्रेकफास्ट, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अभी जब हम आए और इसके बाद भी हमारा वैसे ही रूटीन रहा, तो उन सब का असर एकदम से मुझे फील हुआ, और ये 2 months पे ही मुझे दिखने लगा था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी ज़्यादा, लेकिन अभी मैंने वॉक स्टार्ट की है, साथ में मैं अपना डाइट प्लान भी चेंज किया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि नेक्स्ट 2 months में मैं अपना फिर से बैक टू अपने ओरिजिनल वेट पे आ जाऊँ, लेकिन देखती हूँ। और मैं डाइट में भी मैंने चेंजेस किए हैं, अगर ये मैं सक्सेसफुल हो गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या चेंजेस किए थे। और ये मेरी बेटी भी आई है मुझे मेरे साथ में, तो धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन उसको मस्ती करनी है थोड़ी सी, तो देखिए। और सन्नाटा है एकदम पार्क में क्योंकि धूप निकली है, 9 बज रहे हैं करीब, और हम लोग क्योंकि छुट्टी थी तो आराम से आए हैं। और ये क्यूट क्यूट हमें गिलहरी मिल रही है, बहुत सारी गिलहरी थी इस पार्क में, और मेरी बेटी को देख के बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे भी, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। और फिर लौटते समय हमने खूब सारी मस्ती करते हुए हम घर आए थे, तो ये देखिए छोटी छोटी बहुत सारी हैं, तो बेटी को वैसे भी मज़ा आता है। और जैसे कि छोटी छोटी इन सब चीज़ों को देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, नेचर के पास आप रहते हो तो नेचर के साथ बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी थी तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही रुक रुक के चल रही थी, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल वॉक में इतना रुकती नहीं हूँ। और अभी हमारी वॉक और टॉक दोनों हो रही है, जब मैं अकेले होती हूँ तो बिल्कुल बात नहीं करती हूँ किसी से भी, और मुँह बंद करके आपको वॉक करनी चाहिए तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, नाक से सांस लेनी चाहिए सिर्फ। ये ट्राई करिएगा, देखिएगा डिफरेंस आपको भी लगेगा। अगर सच में आपको वेट लॉस करना है तो वॉक करते समय मुंह बंद रखिए, तब अच्छा रहता है, आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। और ये देखिए मेरी बेटी, उसने मुझे थोड़ा सा शूट किया क्लिप, आपने देखा, और ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स, तो बहुत अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद वॉक आने के करने के बाद। और मैं तब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीक में एटलीस्ट 3 to 4 times ज़रूर जाऊँ वॉक करने, अगर वॉक नहीं होती है तो घर पर ही मैं योगा ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 1/2 hour मैं ज़रूर दूँ। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, लेकिन मैंने मैनेज किया। मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही जाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 8 बजे जब बच्चों को छोड़ूँ स्कूल, उसके बाद जाऊँ, तो बस वही टाइम होता है मेरे पास, तो उस समय जाती हूँ 1/2 hour के लिए। मैंने अपने डाइट में भी चेंजेस किए हैं जैसे कि मैंने बताया, और मैं फिर से वापस अपने जो वेट था मेरा 60 और 62 kg के बीच में, उस पर वापस आना चाहती हूँ। जो मैंने 5-6 kgs जो गेन किया है उसको मुझे कम करना है नेक्स्ट 2 months में। तो अगर ये मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए क्यूट क्यूट गिलहरीज, छोटी छोटी स्क्विरल्स, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, और मॉर्निंग वॉक वैसे तो अर्ली मॉर्निंग ही होती है तो अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और ये सभी हाउसवाइफ्स जो भी होम मेकर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अर्ली मॉर्निंग जाना, क्योंकि आपको बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, आई होप कि हो पाएगा सब मैनेज। तो विश मी गुड लक, जिससे कि मैं अपना ये
प्लान पे, इस डाइट प्लान पे, इस मॉर्निंग वॉक पे स्टिक रह सकूं, और फेस्टिवल टाइम है, बहुत ही लालच आएगा मिठाइयों को देख के, लेकिन कंट्रोल कर सकूं। और बेटी भी मेरे साथ है, तो अब हम घर जा रहे हैं। ये हमारी वॉक हो गई और बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। सभी जगह बहुत सुंदर है, नेचर बहुत सुंदर है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना है, तो अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज होता है तो वॉक ज़रूर करनी चाहिए। मैंने पहले के वीडियोस में भी अपने हमेशा बताया है कि घर से बाहर निकलने से जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी हमको मिलती है, वो घर के अंदर नहीं मिलती है। सो प्लीज़ ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर होम, अपने बेड को छोड़िए, अपने घर को छोड़िए, थोड़ा बाहर निकलिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा विद बेल बटन, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।